जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो गुस्से की आग में सरकार और सिस्टम भस्म हो जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में सरकार के खिलाफ गुस्से का सैलाब आया है। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई। 13-13 घंटे के पावर कट ने जनता के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। श्रीलंका के हालात किस कदर खराब हैं, अगर ये समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 12 से 13 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि डीजल है नहीं, सप्लाई है नहीं, पावर प्लांट जो है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं, और जो होटल है, हम जैसे जिस होटल में हमें रहना है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ, अगर हमें ऊपर जाना है 8वीं मंजिल पर तो बिजली नहीं है, इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही है, ये सारे लिफ्ट बंद है। 11-12-13 घंटे ज़्यादातर जो होटल है वो बैकअप से चलाते हैं जनरेटर, जिसके लिए डीजल चाहिए, लेकिन डीजल की भी सप्लाई नहीं है, और अब वो कई कई सारे जो होटल हैं वो ब्लैक मार्केट से डीजल ला रहे हैं। ना कहीं लाइट है, ना एयर कंडीशन है, ना पंखा है, और यहाँ की गर्मी में हर कोई बस पसीने से जूझ रहा है। सिस्टम पे कोई भी लैपटॉप सिस्टम प्रिंटर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अपने कमरे में भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी 11-12 घंटे की, ये चूँकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो तस्वीर समझ में आती है। श्रीलंका में खाने पीने की चीजों की इतनी भारी कमी हो गई है कि महंगाई अब हद से गुजर चुकी है। अब लोगों के पास न खाने की हैसियत बची है, न खरीदने के पैसे। चीनी 290 रुपए किलो, चावल 500 रुपए किलो, एक कप चाय 100 रुपए, ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए, एक किलो दूध पाउडर की कीमत 1975 रुपए, LPG सिलेंडर का रेट 4119 रुपए और पेट्रोल 254 रुपए लीटर मिल रहा है। हालत ये हो गई है कि दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा तो 2 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए। भूखी प्यासी और हैरान परेशान जनता राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। राष्ट्रपति को इस समस्या के बारे में कल ही पता चला। किसानों के पास एग्रो केमिकल नहीं है, वो गद्दार हैं। क्या उन्हें ये कल ही पता चला? लोगों के पास कमाने और खाने का कोई जरिया नहीं बचा, और जो पावर में हैं, वो अपने महलों में लग्जरी लाइफ का आनंद उठा रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक अब उनको लोन चुकाने के लिए नोटिस दे रहे हैं। वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उनको वोट देने के बाद ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? हम अपने बच्चों को खाने के लिए क्या दें? हम दूसरों के पाप की सजा भुगत रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां अब पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से हाहाकार मचा है। देश के सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन डीजल उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से बसें और ट्रक सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। मैं सुबह 3 बजे से पेट्रोल भरवाने के लिए खड़ा हूँ। हम रेत ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्होंने 3 गाड़ियों में भरने के बाद ही कह दिया था कि डीजल खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि देश में फ्यूल आ रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूल नहीं है। क्या ऐसा पहले भी हुआ है? अगर आप ठीक से देश चला नहीं सकते तो इस्तीफा दे दे। श्रीलंका में शहर शहर जनता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दिवालिया हो चुकी श्रीलंका की गोटाबाया सरकार अब सरेंडर कर चुकी है। इस अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रही श्रीलंकाई जनता को नेताओं ने उनके किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। मेयर छिप गया है, उसको कहो बाहर आकर हमारी समस्या का समाधान करने के लिए। हमें काम करने के लिए बिजली चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता यहाँ मौजूद नहीं है। वो इतने छोटे से देश को भी ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। श्रीलंका की जनता शुक्रवार रात को कोलंबो में सड़कों पर उतर आई थी। 5,000 से ज्यादा लोगों की गुस्साई भीड़ में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की तरफ रैली निकाली, जिसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि पहले से ही भूखी प्यासी जनता पर श्रीलंकाई पुलिस और सेना की लाठियां कहर बनकर टूट पड़ी, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने पूरे श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया, क्योंकि हालात अब उनके वश में नहीं रहे। वामतान्ने अभियोगात्मक अवस्था। मैं मुश्किल वक्त में आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जरूरी चीजों की कमी और कीमत बड़ी है। मैं उन सभी समस्याओं को लेकर संवेदनशील हूँ जो लोगों ने पिछले 2 महीनों में झेली हैं।
मैं जानता हूं ये हालात कुछ वक्त जारी रहेंगे, फिर भी हम हालात सुधारने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका जिस आर्थिक भंवर में फंस चुका है उससे बचकर निकल पाना बेहद मुश्किल है। श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य गुप्त अंधेरे में है और दूर दूर तक उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों के बीच बैठकों का दौर जारी है और ये सब तब जब यहाँ के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हुए हैं कि सड़कों पर ना तो गाड़ियों को दौड़ने के लिए डीजल मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना आम आदमी को खाने के लिए राशन पर्याप्त है और ना ही जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं इस समय लोगों को मयसर हो रही हैं। आप ये समझिए कि चाय की प्याली जो कभी 30 रुपए में मिलती थी वो अब 150 रुपए की हो गई है। दूध, दवाइयाँ, जो मार्केट है सुपरमार्केट, हर जगह बुनियादी चीजों की किल्लत होने लगी है और इस किल्लत के लिए यहाँ की जनता और यहाँ का विपक्ष सीधे सीधे राजपक्षे सरकार को, राष्ट्रपति को दोष दे रहा है कि इनकी गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही श्रीलंका की ये हालत हुई है। कर्ज से इस कदर दबा हुआ है कि उसे चुकाने में न जाने कितने दशक बीत जाएंगे। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका है, आयात करने के लिए उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं और इन सब के बीच जनता बेहाल है, परेशान है। 12-13 घंटों की बिजली की कटौती है, बुनियादी चीजों की किल्लत है। श्रीलंका से ये खास रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।